हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिडियाज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास वैसे कोर्स की है, लेकिन ये क्लास यूट्यूब के लिए भी डिजाइन की गई है। एक क्लास यूट्यूब पर बच्चों से कुछ बात हुई थी और एक क्लास यूट्यूब पर डेम क्लास के रूप में भी डाली जाएगी, ताकि आप क्लास को देख सकें और समझ सकें कि क्या ये क्लास आपके बेनिफिट में है, आपके फायदे के हैं, आपके काम की है या नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं कपिल सांडिल्य हमारी यूट्यूब की और हमारी ऐप की इस कॉमन क्लास में, डेमो क्लास में, जिसमें आपको साइंस सब्जेक्ट, जो हमारे KVS PRT का सब्जेक्ट कंसर्न का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है KVS PRT कोर्स साइंस बाय कपिल सांडिल्य। उस टॉपिक का नाम है, एक्सक्लूसिव कोर्स है ये, क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। EVS आपने देखा है कि किस तरीके से हमने तैयार किया, उसी तरीके से साइंस पे मेहनत करके आपको क्वालिटी की चीज़ देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको आपके फीडबैक से कुछ चीज़ें लिखी और उसके साथ साथ आपको अच्छे से कंटेंट को समझाकर, अच्छा कंटेंट, रिच कंटेंट लेके, NCERT के सभी चैप्टर्स को कवर करके, वो 6 से 7 के चैप्टर, 6 से 10 के चैप्टर भी लिए गए हैं, और 11th 12th में भी जहाँ पर टॉपिक्स हमें लगता है कि ये पार्ट हमें लेना चाहिए, वो हमने लिया है, क्योंकि 6 और 10th में वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। और क्यों ना 11th 12th का वो हिस्सा उठा लिया जाए जो 6 और 10th को भी कवर किया कर रहा है, और कंसेप्ट जिससे अच्छा बन जाए। तो इस तरीके से ये तैयार किया जा रहा है। तो ये क्लास हमने तैयार की है आप सभी के लिए, यूट्यूब वालों के लिए भी, जो बच्चे देखना चाहते हैं कि क्लास कैसी है और फिर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, उन बच्चों के लिए भी तैयार किया गया है। और उसके साथ साथ कुछ बच्चे जो कोर्स से जुड़े हुए हैं, वो तो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो KVS PRT कोर्स साइंस बाय कपिल सांडिल्य EVS क्लासेस भी शुरू होने वाली है। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी बहुत नियर एंड डियर है मेरे, बात होती रहती है आप सभी से। तो आपकी डिमांड पर एक क्लास मैं रख रहा हूँ, और इस टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न है KVS का, PRT का जो सिलेबस है, उसने क्या किया हुआ है, PRT के सिलेबस ने, KVS ने क्या किया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन पहले से ही आपको सिलेबस दे देता है, और उसने सिलेबस जो दिया है 2018 का पैटर्न, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसमें उसने टॉपिक दे दिए, पर्टिकुलर टॉपिक बता दिए कि भाई मैं इन टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन पूछूंगा, और 2018 का पेपर देखते हैं। तो बिल्कुल उसने फॉलो किया है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस चैप्टर से टॉपिक उठाया है उस चैप्टर के सब टॉपिक या आसपास के टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। इसलिए हमने भी कोशिश की है कि उसके आसपास के टॉपिक को भी इंक्लूड करें और आपको एक अच्छी क्लास दे। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सन, इस पिक्चर से हमने दिखा दिया कि सन से हमें कुछ मिल रहा है और कुछ चीजें वापस भी निकल रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। ठीक है, ये जो टर्म है ग्रीन हाउस, ये क्या होती है और ये कहाँ से इजाद की गई, इसको हमने उनको समझना है। देखिए, ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड अप ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट। ठंडे इलाकों में क्या होता है, कोल्डर प्लेसेस में क्या होता है, कोल्ड प्लेस में क्या होता है कि वहां पर वेजिटेशन को इतनी ठंड में ग्रो नहीं किया जा सकता। तो वहां क्या करते हैं कि हाउस में एक हाउस बनाया जाता है, कि ग्लास का बन जाता है, दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स, जिसको यूज किया जाता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए। ग्रीन हाउस जो है कांच से बनाए घर है, जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। अब इस ग्रीन हाउस में क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। द सन रेडिएशन वार्म्स द प्लांट्स एंड द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो जो सन रेडिएशन इस ग्लास हाउस में घुसते हैं, वो पौधों को भी गर्मी देते हैं एंड द एयर, और हवा को भी गर्मी देते हैं। ठीक है, सूर्य के विकिरण ग्रीन हाउस के अंदर पौधों को और हवा को, दोनों को ही गर्म करते हैं। द हीट ट्रैप्ड, जो हीट अंदर ट्रैप की गई है इनसाइड, कैन नॉट एस्केप आउट, ये बाहर नहीं आ पाती, और वार्म्स द ग्रीन हाउस विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो हवा अंदर रह गई है वो बाहर नहीं आ पाती है, नहीं निकल पाती है, और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। लेकिन लेटर ये देखिए कुछ इस तरह का वो हाउस होता है ठंडे एरियाज में, जहाँ पर काफी ठंड पड़ती है और वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती, तो उन वेजिटेशन को इस तरीके का हाउस बनाया जाता है। तो सनलाइट एंटर तो कर जाती है, लेकिन अंदर हीट रह जाती है और वो वापस निकल नहीं पाती, यही ग्रीन हाउस है। और इस ग्रीन हाउस के पैटर्न पर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो ए ग्रीन हाउस इज ए हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट।
ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर है जिसका उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। द सन रेडिएशन वार्म द प्लांट एंड द एयर इन साइड द ग्रीन हाउस, और जो सन की जो विकिरण है वो ग्रीन हाउस के अंदर पौधों और हवा को गर्म करते हैं। एंड दीज द हीट ट्रैप्ड इन साइड कैन नॉट एस्केप आउट एंड द वार्म द ग्रीन हाउस विच इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जो हीट जो अंदर गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती और ग्रीन हाउस को गर्म कर देती है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए ग्रीन हाउस में ना एक तो होती है सीजनल चीजें, आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारी बिना सीजन की सब्जी भी आ जाती है जो पहले किसी एक मौसम में होती थी, तो ग्रीन हाउस में बेमौसमी चीजें उगाई ही जाती है, ठीक है, ताकि गर्म मौसम की चीजें ठंड में भी उगाई जा सके। एग्जाम्पल हम अपने आसपास ग्रीन हाउस का देखते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि द इंटीरियर ऑफ कार पार्क इन द सनशाइन विद इट्स विंडोज क्लोज्ड बिकम वेरी हॉट ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो आपने ऐसी चीज देख ली जो आज के मौसम में आपने फील भी की है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धूप में खड़ी कार की खिड़कियां बंद होने के कारण उसका इंटीरियर बहुत गर्म हो जाता है। जब कार आप कहीं खड़ी करके जाते हैं, धूप में खड़ी करके जाते हैं तो गर्मी के मौसम में, तो आपको जब थोड़ी देर बाद आकर उसमें बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा हीट हो चुकी है, इतनी हीट तो बाहर भी नहीं है। तो असल में इसमें होता क्या है, वही सन के रेडिएशन इसके अंदर एंटर कर चुके हैं लेकिन वो रेडिएशन फिर बाहर नहीं निकल पाते, ट्रैप हो जाते हैं। ये क्यों ट्रैप हो जाते हैं उस पर बात भी करेंगे, लेकिन अभी ये एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। तो इसके द्वारा वो समझ आप समझ पाते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो आप समझ पाते हैं इस चीज में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस ऑफ इफेक्ट का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूम्स ऑफ ए हाउस इन कोल्ड कंट्रीज हुज विंडोज आर क्लोज्ड एंड सनलाइट फॉल्स ऑन देम बिकम वार्म ड्यू टू ग्रीन हाउस। तो ठंडे देशों में घर के कमरे जिनकी खिड़कियां बंद तो होती है और उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, छतें जो है ना वो शीशे की बना लेते हैं, वो तो रोशनी अंदर तो चली जाती है लेकिन वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन उनकी खिड़कियां क्लोज हैं तो इस तरीके से वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके के घर आप ठंडे प्रदेशों में देखेंगे, कोल्ड रीजन में, टेम्परेट रीजन में, तो वहां पर आपको ऐसे घर दिखाई देंगे ही देंगे। और कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जिस तरीके से सोलर कुकर काम करता है। सोलर कुकर में भी ऐसा ही होता है, सोलर कुकर पे एक मिरर होता है और मिरर के से लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर एक ग्लास लाइट होती है, अंदर चली जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, उस तरीके से यहाँ हीटिंग बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, और कूलर की तरह खाना पकाने में ये काम आ जाती है। एंड सोलर फर्नेस और जो सूरज की रोशनी से चलने वाली बत्तियां हैं उनमें भी ये फिनोमेना काम करता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस। अब अर्थ का जो एटमोसफेयर है ना, अब मेन टॉपिक की बात ये है कि हमारी अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे करता है, सेम इज द केस इन अर्थ एटमोसफेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में भी ऐसा ही होता है। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमोसफेयर, ड्यूरिंग दिन के टाइम सन हीट्स अप करता है अर्थ के एटमोसफेयर को, दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है, एट नाइट अर्थ कूल्स डाउन द हीट रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो रात को जो है अर्थ कूल डाउन हो जाती है और हीट है वो बैक रेडिएट हो जाती है, कहाँ रेडिएट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम इज द केस इन अर्थ एटमोसफेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में भी यही केस देखने को मिलता है। और वहां पर क्या होता है कि हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो एटमॉस्फेयर की गैसेज में फंसी रहती है। ड्यूरिंग द डे सन हीट्स अप द एटमॉस्फेयर, दिन के समय सूर्य पृथ्वी के वातावरण को गर्म करता है, एट नाइट अर्थ कूल्स डाउन द हीट इज रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी ठंडी हो जाती है और उसने जो हीट अब जो की थी उसको बैक रेडिएट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। अगर वो बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर से तब तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि हीट इज अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउसेस इन द अर्थ एटमोसफेयर। जो हीट ये रेडिएट हुई है, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको भी बताऊंगा अभी, इस गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस के गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी की वजह से ये जो ट्रैप हो गई गैसेज है, इसी की वजह से एयर का टेम्परेचर बढ़ता है, दिस मेक द सर्फेस ऑफ अर्थ वार्मर, और इसी से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। तो हम दिस मेक द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग ऑन अर्थ पॉसिबल, और ये पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव हो पाता है इसी की वजह से। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रीन हाउस था, ग्रीन हाउस के अंदर क्या था, एक ग्लास के अंदर
ग्लास के अंदर से रोशनी तो अंदर चली जाती थी शीशे से, ठीक है, लेकिन यहाँ की खिड़की दरवाजे बंद है तो बाहर हीट बाहर नहीं निकल पाती थी। तो जो हमारा एटमोसफेयर है, दिस वर्क्स लाइक एक ग्रीन हाउस, जिस तरीके से ग्रीन हाउस के अंदर पृथ्वी को रख दिया गया हो, कुछ कुछ इसी तरीके से वो एक्ट करता है और उस तरीके से हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस चित्र से अब हम सब कुछ समझ जाएंगे जो अभी तक मैंने बताया है और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था चीजें, वो सारी चीजें समझ जाएंगे। देखिए, सन से हमें कुछ रेडिएशन मिलते हैं, लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ कि सन से अगर 100% रेडिएशन मिले हैं तो अर्थ के सरफेस तक 100% नहीं पहुँचते हैं, लगभग 50%, 51% कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, उतने परसेंट ही रेडिएशन पहुंच पाते हैं। बीच में बादल होते हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा पर्वत की चोटियाँ होती हैं, उससे स्नो होती है, वो भी रिफ्लेक्ट कर देती है। बीच में एटमोसफेयर भी कुछ चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ अर्थ के सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बादल व्हाइट कलर के तो रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा पर्वत की चोटियों पर बर्फ होती है, वो व्हाइट कलर की, वो भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है इसको एल्बिडो कहते हैं, ठीक है, जो सोलर रेडिएशन जो बाहर रिफ्लेक्ट कर दिए गए उसको एल्बिडो कहते हैं। अब देखिए, सोलर रेडिएशन का कुछ पार्ट अर्थ पर चला जाता है। एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि वेरी हाई टेम्परेचर की जो बॉडी होती है, जैसे सन है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वेरी हाई टेम्परेचर की बॉडीज के अंदर जो रेडिएशन निकलते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के निकलते हैं, हाई एनर्जी होती है उनके पास और शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, काफ़ी पेनिट्रेट भी कर देते हैं। इसी वजह से सन के रेडिएशन अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर तो आ जाते हैं, और कुछ रेडिएशन तो जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये तो हमारी स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, कैंसर कर देते हैं। खासतौर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो बी टाइप के हैं वो ऐसा करते हैं। तो ये रेडिएशन अंदर तो आ गए, लेकिन अब ये इसकी एनर्जी अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करने लग जाता है, अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है तो, लेकिन वो इतना हाई टेम्परेचर वाला नहीं बन पाता जितना सन होता है। तो इसीलिए ये लो टेम्परेचर बॉडी है, या लेस हॉट बॉडी कह भी सकते हैं। तो लेस हॉट बॉडीज हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ के रेडिएशन देता है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ के हीट रेडिएशन, जिनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो ये लॉन्ग वेवलेंथ के हैं, ये इतना पेनिट्रेशन की पावर नहीं रखते। तो जब ये अर्थ के सरफेस से री रेडिएट होते हैं शाम रात के टाइम, अर्थ ठंडी होती है और इनको एटमोसफेयर की हवा जब ठंडी होने लग जाती है तो हीट ट्रांसफर होने लग जाता है वापस, तो ये रेडिएशन बाहर सारे के सारे बाहर नहीं निकल पाते। यहाँ पर कुछ गैसेज हैं, इन गैसेज की खासियत यही है कि ये गैसेज एक चैम्बर बना लेती हैं जो कि ओपेक है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, यहाँ से गैसेज ये हीट बाहर नहीं जा पाती और ये गैस इसको ट्रैप कर लेती हैं। इन गैसेज को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस में भी ये काम करती थी, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमोसफेयर में भी काम कर रही है। साथ ही साथ इन गैसेज की वजह से एक इफेक्ट होता है जो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हीट यहाँ पर री रेडिएट बैक कर दी गई है। ये हीट निकलनी तो बाहर थी लेकिन इसको री रेडिएट वापस कर दिया गया है एटमोसफेयर के अंदर। इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अर्थ का एटमोसफेयर थोड़ा सा गर्म रहता है और ये हैबिटेबल है। अदरवाइज अर्थ का के ऊपर अगर एटमोसफेयर नहीं होगा ना तो यहाँ पर रह भी नहीं सकते, यहाँ पर रहने लायक सिचुएशन नहीं होगी। तो इसको हैबिटेबल ग्रीन हाउस इफेक्ट ने बनाया, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अदरवाइज अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन अब एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, पूरी अर्थ का एवरेज निकाले तो, क्योंकि आप जानते हैं 0 डिग्री पर टेम्परेचर हाई होता है, तो यहाँ पर तो 27 डिग्री भी मिल जाएगा और कहीं पर आपको 45 डिग्री भी मिल जाएगा और कहीं पर आपको माइनस में भी मिल जाएगा, -45 में मिल जाएगा। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलता है कि अर्थ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है एवरेज, ये पॉजिटिव जोन में, ठीक है। लेकिन अगर ये एटमोसफेयर ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर इसके आसपास होता। अब इस चित्र में भी देख लेते हैं कि सन की जो विजिबल लाइट आ रही है, ये तो आ रही है, ठीक है, सन से जो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट रेडिएशन आ रहे थे वो सरफेस ने अब्जॉर्ब तो किए, लेकिन उसके बाद जब ये री रेडिएट कर देगी तो इसका कुछ पार्ट तो बाहर जा रहा है लेकिन कुछ पार्ट यहीं पे रुक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैसेज है ग्रीन हाउस गैसेज जो उसको बाहर नहीं जाने देती, उनको सोख लेती, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। तो सन से जो रेडिएशंस मिले थे अर्थ को वो अर्थ ने वापस तो कर दिए थे, लेकिन
लेकिन उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, पर इनको स्पेस के अंदर वापस नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य के विकिरणों को ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य के जो विकिरण है उनको ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वापस अंतरिक्ष में वापस नहीं भेजा जाता है। इसकी वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आते हैं। दिस इंसुलेट द सर्फेस ऑफ अर्थ, और इसी यही अर्थ के सर्फेस को इंसुलेट कर देता है, मतलब ये उसको बाहर की ठंड से बचाता है और यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाता है जिससे ये सरफेस इंसुलेट होता है और प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग। और इसको -18 डिग्री तक के एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग, देखिए हमारी धरती पर पोल्स पे टेम्परेचर इतना भी चला जाता है और एवरेज इतना हो जाता है, तो पोल्स पे तो और भी ज्यादा होना उस हिसाब से, क्योंकि अगर ये सिचुएशन में अगर हम 15 डिग्री एवरेज निकाल रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन में, तो अगर एटमोसफेयर नहीं होता तो ये -18 है तो ये तो लगभग 100 के आसपास हो जाता। तो हमारी पृथ्वी पर एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर एटमोसफेयर न होता तो हमारी डिग्री जो ये डिग्री होती तो -18 डिग्री सेल्सियस होता, तो हमारी पृथ्वी को इसने इंसुलेट किया हुआ है। ठीक है, एक तरह से संरक्षित किया हुआ है। ठीक है, इसे जमने से रोकता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सन से जितने भी रेडिएशन हमें मिलते हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन के सोलर एनर्जी के रूप में जो मिलते हैं, ये सारे के सारे रेडिएशन अर्थ तक नहीं पहुंचते। देखिए 20% ऑफ द अब्जॉर्ब इज अब्जॉर्ब बाय द एटमोसफेयर एंड क्लाउड, तो जो एटमोसफेयर है और जो क्लाउड है ये 20% एब्जॉर्ब कर देते हैं और 20% रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। देखिए तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ये तो पहुंचा ही नहीं। और 6% जो होता है, 6% जो है स्कैटर कर दिया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ रुकावटें होते हैं, धूल के कण होते हैं, पोल्यूशन के कण होते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं, तो ये भी नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ देखिए 49%, मैंने कहा था अबाउट 50% ही पहुंच पाता है, बाकी ये जो बाहर की बार रिफ्लेक्ट किया जा रहा है दिस इज कॉल्ड एज एल्बिडो। ठीक है, तो अब हमारी धरती जो है वो उसने 49% एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जब रात होती है तो ये इसने जो हीट अब्जॉर्ब की थी ये वापस एटमॉस्फेयर को छोड़ती है। लेकिन ये जो है ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले हैं, लॉन्ग वेवलेंथ वाले इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन कहते हैं, अवरक्त विकिरण कहते हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ के हैं इसलिए ये एटमॉस्फेयर में बाहर नहीं निकल पाते, पेनिट्रेट नहीं कर पाते। शॉर्ट ये वाले शॉर्ट वेवलेंथ वाले थे, मैंने बताया क्यों थे, शॉर्ट वेवलेंथ हाई हॉट बॉडी है, तो इसी वजह से अब हम देखते हैं कि ये ट्रैप हो गए हैं लॉन्ग वेवलेंथ के हीट रेडिएशन। तो आपसे अगर पूछे कि अर्थ का एटमॉस्फेयर ऊपर से गर्म होता है या नीचे से, तो आप देखेंगे नीचे से गर्म होता है। इसी वजह से आप जैसे जैसे अर्थ के सर्फेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हर 165 डिग्री पर 1 डिग्री, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एज लैप्स रेट ऑफ एटमोसफेयर। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको ठंड महसूस होगी, क्योंकि हीट तो इधर से मिल रही है ना, हीटिंग तो इधर से हो रही है, ऊपर से नहीं हो रही हीटिंग, तो अर्थ का एटमोसफेयर नीचे से हीट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इस चित्र के माध्यम से ये सारी चीजें बताई गई है कि इंफ्रारेड रेज जो आती है सन की तरफ से ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है, दे कैन पेनिट्रेट इन टू द एटमोसफेयर, सम पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड एट द आउटर सर्फेस ऑफ एटमोसफेयर, कुछ पार्ट जो है वो बादलों के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और कुछ स्नो होती है जो आइस कैप होती है उनके द्वारा, पोलर स्नो कैप भी हो और आइस कैप जो है उनके द्वारा भी कर दिया जाता है। बाकी जो पहुंचती है लगभग 50%, 49 आपने देखा था अभी, ये अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जब ये वापस भेजी जाती है तो ये तो निकल गई है बाहर, लेकिन ये यहीं पर ट्रैप होके रह गई है, और जो ट्रैप होके रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से रही है। दिस इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हरित प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही अर्थ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो और कुछ कंसिक्वेंसेज लेके आएगा। इन द एबसेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड हैव बीन चिली, दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस, बता चुके हैं। अगर कोई भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो या एटमोसफेयर ना हो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी और इसका एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा रेदर देन प्रेजेंट एवरेज
15 डिग्री सेल्सियस एट सच लो टेम्परेचर लाइफ वुड नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट, और इतने कम टेम्परेचर पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। तो ग्रीन हाउस के प्रभाव की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान वर्तमान औसत 15 डिग्री सेल्सियस के बजाय एक ठंडा तापमान बन जाएगा, और ऐसे माहौल में यहाँ पर लाइफ संभव नहीं हो सकती। इतने कम तापमान पर जीवन का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो हुआ है वो तो हम समझ गए क्या है ग्रीन हाउस, बिल्कुल समझ गए। अब हम जानते हैं कुछ उन गैसेस के बारे में जो ग्रीन हाउस गैसेस है। वैसे तो ये फ्रेंडली गैसेस है अगर इनका रेशियो ठीक रहे तो। आपने एटमोस्फेयर अगर पढ़ा है ईवीएस में, तो ईवीएस में नहीं पढ़ा है तो क्लासेस में फिर से पढ़ाएंगे। तो एयर की जो कॉन्फिग्रेशन है, जो कंस्टिट्यूएंट है, एयर एक मिक्सचर है। मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड मिले होते हैं लेकिन वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके अंदर कई गैसेज हैं, उनके बीच में आपस में रिएक्शन नहीं होता। तो उसमें नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, 78% है। उसके बाद उसमें दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है, 21% है। उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर देखें तो वो ऑर्गन है, 0.93% है। और फोर्थ नंबर पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देखिए तो वो 0.03% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, ये दोनों इनका मात्रा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो यही हो गया और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतनी ही रहे, 0.03 रहे, तो ये ठीक है क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, अर्थ का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प चाहिए। लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गैस है जैसे CH4, मिथेन इसको कहते हैं, इनको हम फिर से वही बताएंगे। मिथेन आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर नए स्टूडेंट है कि क्या कितने फार्मूले आ गए, क्योंकि मैं 2 बार तो रिविजन वीडियो में करवा के ही जाता हूँ। तो मिथेन जो है वो भी एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है, और एक ये SF6 जो है ये भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसको कहते हैं, तो ये भी एक ऐसी गैस है। और N2O इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ध्यान रखना नाइट्रस ऑक्साइड है ये, NO2 नहीं है, N2O है, बहुत डिफरेंस देखना है इसमें। N2O देखिए नाइट्रोजन जो गैस होती है N2, और NO2 जो होती है और NO जो होती है, ये सारी की सारी ग्लोबल कूलिंग गैस है। इनकी प्रेजेंस से एटमोसफेयर कूल होता है, लेकिन ये वाली अगर प्रेजेंट हो तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो यहाँ एटमोसफेयर हॉट हो जाएगा, ध्यान रखना इसका डिफरेंस। ये वही गैस है जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी इसी को कहते हैं। अगर इसको ये सुंघा दे तो आदमी इतना हंसता है कि उसके पेट में दर्द हो जाता है पूरी तरह से, तो ये लाफिंग गैस भी है। तो ये कुछ गैसेज है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी, बाकी इतना ज़्यादा यहाँ इस स्लाइड में फोकस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ और स्लाइड्स हैं जिसमें कंसेप्ट को क्रिएट किया गया है। अब अर्थ पे हमने पढ़ लिया है, एटमोसफेयर को पढ़ लिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ लिया है। अब देखिए बादल और गैसें आने वाले सौर विकिरणों के लगभग 1/4 हिस्से को परावर्तित कर देते हैं। मैंने कहा था एल्बिडो, बादल और जो गैस है एटमोसफेयर जो है वो लगभग लगभग 1/4 हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देता है, एल्बिडो हो गया ये, और उनमें से कुछ को अवशोषित कर लेता है लेकिन कुछ हिस्से को अवशोषित भी कर लेता है। क्लाउड्स एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, और उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद लेकिन आने वाले सौर विकिरण का लगभग आधा हिस्सा इसे गर्म करने वाली पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो आने वाला सौर विकिरण का लगभग आधा हिस्सा है वो इसे गर्म करने वाली पृथ्वी की सतह पर, जबकि एक छोटा अनुपात वापस परावर्तित हो जाता है। तो बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधा हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच गया और उसको गर्म कर देगा। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट, व्हाइल ए स्मॉल प्रोपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर ये ना हीटिंग इट, यहाँ पे कोमा लगाया जाए तो तभी सही आंसर निकलेगा, हिंदी में ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ है। ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन अर्थ सर्फेस, लगभग 50% रेडिएशन अर्थ के सर्फेस तक पहुंच जाते हैं और उसको हीटिंग करते हैं, व्हाइल केवल कुछ प्रपोर्शन इसका जो है रिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अर्थ तक रेडिएशन पहुंच गए। आगे क्या होता है, अर्थ का सरफेस री एमिट कर देता है हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, और अर्थ जब हीट अप होती है, ठीक है, तो ये गर्म होकर ये भी रेडिएशन छोड़ने लग जाती है। आपने देखा होगा कि
कई बार ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि कपड़ों से भाप निकल रही है, ठीक है, और हमें जब एक्सरसाइज करते हैं ऐसा लगता है जैसे हमने जो ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो अंदर गर्मी सी इकट्ठी हो गई, तो वो भी हीट रेडिएशन है, लेकिन वो इतना हॉट नहीं जितना सन है, इसलिए वो लॉन्ग वेवलेंथ वाले हैं। अर्थ के साथ भी यही बात है, वो लॉन्ग वेवलेंथ के ही रेडिएशन छोड़ रही है, लॉन्ग वेवलेंथ वाले ट्रैप होने वाले हैं, उनको रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। देन द अर्थ सरफेस री मिट द हीट इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, पृथ्वी की सतह अवरक्त किरण के रूप में ऊष्मा का पुनर्उत्सर्जन करती है, बट पार्ट ऑफ इट दिस डज नॉट एस्केप, इसका कुछ हिस्सा स्पेस में एस्केप नहीं हो पाता, एंड एटमोस्फेरिक गैसेज फॉर एग्जाम्पल, और कुछ एटमोस्फेरिक गैसेज जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड अभी मैंने बताया था वो, वाटर वेपर्स भी यही काम करते हैं, ओजोन, SF6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इनके बारे में भी बात करेंगे ये क्या है, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं, एंड एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट, और ये भी बात करेंगे कि इनमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, ये भी बात करेंगे। लेकिन इसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में नहीं जाता, और वायुमंडलीय गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, जल वाष्प, ओजोन, SF6, CFC, HFC और PFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन आदि, इसका एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हम समझ गए हैं, बार बार वही चित्र बताने का फायदा नहीं। इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस, ये ग्रेजुअल होता है, लगातार होता है, ग्रेजुअल होता है, मतलब ग्रेड इसका बढ़ता रहता है, आगे आगे चलता ही रहता है, एंड इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो धीरे धीरे ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता रहता है, पृथ्वी के सतह के औसत तापमान में क्रमिक और निरंतर वृद्धि दिखाता है, ठीक है। कुछ समय तक इसको ये रखते हैं, उसके बाद ही छोड़ते हैं, इट इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और ये रिजल्ट क्या है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक नया टॉपिक शुरू हो गया है, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या कह रहा है, वो तो पुरानी बात तो नहीं है, इसमें एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। तो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया है, इसकी गैसेज देख लिए, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगली कड़ी है ग्लोबल वार्मिंग। अगर नॉर्मल प्रोपोर्शन में CO2 रहती है, ठीक है, 0.03% अगर CO2 रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अलावा कुछ गैसेज ऐसे जैसे कि इनको कहते हैं फ्रियोन गैसेज, फ्रियोन गैसेज जो फ्रीज वगैरह में ठंडा करने में काम आती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में या फिर AC में, ठीक है, AC में काम आती है, और एरोसोल्स के रूप में भी काम आती है, एरोसोल्स ये जो रॉकेट होते हैं हम छोड़ते हैं उसके अंदर यूज होती है एरोसोल्स, इसके अलावा परफ्यूम इंडस्ट्री में भी यूज होती है, तो ये सारी जगह पे एक चीज फ्रियोन गैसेज में एक चीज यूज होती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एक हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेज है, लेकिन एक प्रोटोकॉल लाया गया था जिसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें ये सहमति बनी कि इसको कट ऑफ कर देंगे, इसको AC फ्रिज में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी सी अमाउंट में होते हुए भी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसके अंदर होता है, ये इसके अंदर होता है मोस्ट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल, थोड़े से में ज्यादा काम कर दे जो वो CFC में, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपसे पूछते हैं तो वो CO2 का है, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, अगर कंट्रीब्यूशन पूछे सबसे ज्यादा कौन करता है तो CO2 करता है, लेकिन थोड़ा सा होते हुए किसमें ज्यादा पोटेंशियल है वो इसमें है, तो इसको बंद करने की बात हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और इसका एक अल्टरनेटिव लेके आए जिसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं लेकिन इनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा है, लाइफ इज मोर, इसकी वजह से ये एटमोस्फेयर में एक बार रिलीज हो जाए तो ये मैन मेड है, ये पहले से नहीं थे, एटमोस्फेयर में एक बार ये रिलीज हो जाए तो फिर ये खत्म नहीं होते बहुत देर तक, और ऐसे ही पर फ्लोरोकार्बन भी है, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये ग्रीन हाउस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, अब ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे बढ़ते हुए कंटिन्यूस इंक्रीज इन और लगातार बढ़ती हुई क्या है, एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ता है अर्थ का सरफेस का, और ये ऐसा हो रहा है, पहले एवरेज टेम्परेचर जो होता था वो कम था, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में क्रमिक और निरंतर वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ये किस चीज का रिजल्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज होने का एक रिजल्ट है, ठीक है।
इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ रही है और कैसे क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस आप आपको देखें तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में अगर काउंट करें तो तीन गैसेस जो है आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस में। इन तीन गैसेज में आप देखेंगे कि सबसे पहले CO2 है, उसके बाद CH4 है, CH4 के साथ साथ एक और गैसेज है जिसका नाम है NO2। ये गैसेज आपको कंट्रीब्यूट करती है बहुत ज़्यादा किस चीज़ में, ये तीनों ही मेजर गैसेज हैं, ठीक है, ये बहुत मेजर गैसेज में काउंट होती हैं। तो ये गैसेज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। इसके साथ साथ यही गैसेज जो है वो एटमोसफेयर के अंदर कैसे आती हैं उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग का कारण, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, वो है हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, उसमें CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, सब बताएंगे। CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, उसके बाद CH4 मीथेन हो गया, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिपीट हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड और ओजोन भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अगर आपसे पूछे कि मेजर कौन सी है तो ये मेजर है CO2, CFC, CH4, ठीक है, और उसके साथ N2O, ये भी तो हो गया ना, ये रिपीट हो गया, तो ये मेजर है। इसके अलावा आपसे अगर माइनर में करें तो ओजोन माइनर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें कारण पता चल गया। ऑल दीज गैसेज अलाउ द हीट वेव्स टू रीच अर्थ। ये ऊपर से जो हीट वेव्स आती हैं शॉर्ट वेवलेंथ वाले सन से, इनको तो एटमोसफेयर के अंदर से अलाउ कर देती है, लेकिन जब ये अर्थ से टकराकर लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती है तब बट प्रिवेंट देयर एस्केप, लेकिन उनको निकलने नहीं देती और अर्थ बिकम वार्म, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए, कौन कौन से सोर्सेज हैं जो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, उसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन हमारे हेल्प नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, CO2 की प्रोडक्शन एनर्जी तो हमें दे रहे हैं लेकिन इससे CO2 बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, ये इसका इंक्रीज हो रहा है लेवल, जो नॉर्मल CO2 थी उसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो गया। जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं स्मोक ऑफ द फैक्ट्री, उससे हमें मीथेन भी मिलती है, हमें N2O भी मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। लेकिन एक और तरीका है जिससे हम इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो है कि हमारे जो प्रकृति में पेड़ हैं वो CO2 को कंज्यूम करके O2 को हमें वापस दे देते हैं, तो CO2 को रिसाइकल कर देते हैं कार्बन साइकिल के अंदर, ट्री एब्जॉर्ब कर लेते हैं CO2 को और मेंटेन करते हैं CO2 बैलेंस इन द एटमोसफेयर। लेकिन क्योंकि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, देखिए CO2 को ले लिया है और बाय प्रोडक्ट के रूप में O2 मिल जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वी आर कटिंग दीज ट्री, ठीक है। तो ट्री को कट कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ भी क्या होने वाला है, CO2 बढ़ जाएगा, बढ़ भी रहा है और इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स आर कटिंग ट्री फॉर रोड एंड बिल्डिंग लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एंड दिस डिफोरेस्टेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन द CO2। और CO2 जो इंक्रीज हो रहा है हमारे एटमोसफेयर के अंदर, उसको अगर देखें तो CO2 का बैलेंस गड़बड़ा गया है, जो 0.03 था उससे ज्यादा बढ़ रहा है और मेजर कंट्रीब्यूटरी गैस यही है। और हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन से, कोल से, पेट्रोलियम से, हर चीज से ये मिल रही है, अगर लकड़ी भी जलाई जाती है तो भी CO2 मिल रही है। तो CO2 जो हमने छोड़ी है, ये ऑलरेडी जो एटमोसफेयर के अंदर CO2 है उसके अंदर जाके मिल जाती है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देती है। तो जितनी ये पहले ये थिक होती जा रही है लेयर्स, इन गैसेस की लेयर थिक हो जाती है, इसकी वजह से जितनी हीट ये पहले ट्रैप करते थे उससे ज्यादा ट्रैप कर लेते हैं। देखो, जैसे सन ने हीट भेजी है अर्थ की तरफ, उसने हीट रेडिएशन भेजे हैं, अर्थ इनको सह लेती थी और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देती थी, लेकिन पहले कुछ पार्ट ही यहाँ पर रुकता था। थिक लेयर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्स मोर हीट, ये ज्यादा ट्रैप कर देता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो नोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप मोर हीट, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दिस इज द ग्रीन हाउस सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस की जगह ग्लोबल वार्मिंग। तो हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, वो साइड इफेक्ट हमें भी नुकसान करेंगे, कैसे कैसे नुकसान करेंगे वो हम समझेंगे। हमें लग रहा है कि हम ईंधन को यूज करके, पेट्रोल को यूज करके, कोल को यूज करके चलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट आने वाली जनरेशन को भी दिखेंगे और हमें भी दिखने वाले हैं।
कौन से सोर्सेज है ग्रीन हाउस गैसेज के, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज के जो सोर्सेज हैं उसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल हम जो बर्निंग करते हैं इसमें पेट्रोलियम और कोल हो गया, वुड भी हो गया, डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसकी वजह से कार्बन साइकिल का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, CO2 ज्यादा रह रही है, O2 में कन्वर्ट नहीं हो रही है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये कारण हो गया। क्लोरोफ्लोकार्बन रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, सोलवेंट्स में भी यूज होता है, इसको यूज किया जाता है, पेंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, सोलवेंट जो पेंट वगैरह बनाते हैं, इंसुलेशन फोम जो फोम वगैरह यूज की जा रही है इंसुलेशन के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि फोम का यूज किया जाता है, किस चीज में किया जाता है, ताकि अंदर रजाई वगैरह में फोम डाली जाती है ताकि हीट अंदर ही रहे और रजाई गर्म रहे, तो इस तरीके से ये जो किया जा रहा है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। और साथ ही साथ देखिए एरोप्रोपेलेंट, जो एरोप्रोपेलेंट है यानी कि जो एरोप्लेन है या रॉकेट्स है उनके अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है, डिओड्रेंट वगैरह में भी इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, तो ये मैन मेड है, ये मैन इंड्यूस्ड गैस है, ये पहले एटमोस्फेयर में नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है किसको, एटमोसफेयर को, उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग में जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में ये टेम्परेचर को बढ़ा रही है। इनका कितना कंट्रीब्यूशन है वन बाय वन हम देखेंगे। मिथेन, मिथेन कहाँ से निकलती है, दलदली जो एरिया होता है ना जहाँ पानी भरा होता है वहां से निकलती है, जैसे ग्रोइंग पैडी, आप अगर धान के खेत देखते हैं तो पानी भरा बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। इसके अलावा जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जो सेलुलोज वगैरह खाते हैं, ठीक है, ग्रोइंग पैडी एक्सक्रेटा ऑफ कैटल, जो चारा वगैरह खाते हैं, सेलुलोज का मतलब है चारा, जिस चीज को हम पचा नहीं सकते ना, हमने देखा, आप देखते हैं कि चारे को हम नहीं पचा सकते ना चबा के भी अंदर ले सकते हैं, तो वो उनके कैटल के एक्सक्रेटा जो गोबर होता है उससे वो निकलता है, उनके पेट में बनता है ये, अदर लाइफ स्टॉक के पेट में, ठीक है। इसके अलावा टर्माइट्स हैं जो सड़ाने वाली चीजें हैं, टर्माइट्स दीमक है उसके उससे निकलता है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, अभी हमने देखा था कि फैक्ट्री में है जब कोल की बर्निंग की जा रही थी और उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था, तो हमने देखा था कि वहां से CH4 भी निकल रहा था, वहां से N2O भी निकल रहा था, और साथ ही साथ वहां CO2 भी निकल रहा था। वेटलैंड्स, मैंने अभी कहा कि दलदली एरिया क्या होता है, कि कोई दलदली एरिया में वनस्पति बनी होती है, पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, धीरे धीरे इसके पत्ते इसमें गिरते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते, तो ये पत्ते इसमें सड़ते रहते हैं और जहां भी चीज सड़ेगी पानी में वहां पर ये निकलेगा। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज से भी इसका जो है सोर्स है, तो ये हो गया हमारा सोर्सेज। एक बार सोर्स को हम चित्र के माध्यम से देख लें, देखिए CFC और एल्केन जो है वो रेफ्रिजरेटर्स एरोसोल्स के रूप में काम आते हैं। ये देखो आपको कोई एक चित्र दिया है हमने, असल में ये एरोसोल्स ये डिओड्रेंट के रूप में दिखाया गया है, स्प्रे है ये, एक तरह का एरोसोल का स्प्रे डिओड्रेंट में भी यूज किया जाता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये एरोप्लेन ऑटोमोबाइल इनसे निकल रही है, गैसोलीन पेट्रोलियम को कहते हैं, और एग्रीकल्चर वगैरह से भी निकल रही है। मीथेन कहाँ से निकल रही है, कैटल से निकल रही है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल की बर्निंग, पेट्रोलियम की बर्निंग अगर हो रही है तो उससे हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम भी एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब है उसके हाइड्रोजन भी कार्बन भी दोनों ही चीजें, और जब कार्बन जलेगा ऑक्सीजन के साथ मिलके तो कार्बन प्लस O2 CO2 निकलेगा, तो यहाँ से भी निकल रही है, और कोल भी कार्बन से बना हुआ है, कार्बन कंटेंट कितना ज्यादा है उसी से तो कार्बन की क्वालिटी देखी जाती है, तो इस तरीके से ये चीज हो रही है। अब नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन होता ही है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि नाइट्रोजन एक बड़ा पार्ट है पेड़ पौधों का, और उन्हीं के सड़े गलने से फॉसिल फ्यूल बने हुए हैं, तो उनसे निकलेगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से में भी N2 निकलता है, और बर्निंग ऑफ वुड एंड क्रॉप रेजिड्यू जो पराली वगैरह जलाते हैं उसके जलाने से, लकड़ी के जलाने से भी निकलता है कार्बन मोनोक्साइड। ये आयरन ओर स्मेल्टिंग, जब आयरन के ओर के को साफ करके आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर आयरन बनाया जाता है वहां से भी निकलता है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तब ये वहां से निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक जहरीली ही चीज है। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, ये मेजर गैसेस की बात कर रहे हैं, जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, इसको नोट कर लें। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है CO2 का, सबसे ज्यादा CO2 कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी, और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इसका कंटेंट बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, भूमंडलीय उष्मीकरण, ठीक
इसको हिंदी में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो CO2 का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। दूसरे नंबर पर मीथेन है, इसको भी ध्यान रखें, इसका परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ही फिगर इस तरीके से परसेंटेज में आपको बता रहा हूँ, तो आप इस तरीके से इसको कर लीजिए 60, उसके बाद 20, और उसके बाद 14, और उसके बाद 6, ये यही याद रखना है। तो सबसे ज्यादा CO2 है, दूसरे नंबर पर CH4 है, फिर उसके बाद CFC है, और उसके बाद ये हो गया N2O। बाकी माइनर भी कुछ है ना, अभी मैंने माइनर बताया था आपको, जैसे वाटर वेपर भी काम करते हैं, आपने देखा होगा जब ह्यूमिडिटी जिस दिन होती है उस दिन आप बहुत ज्यादा हीट फील करते हैं, पसीना बहुत आता है, क्योंकि वाटर वेपर भी हीट को कंज्यूम किए हुए, ठीक है, तो वाटर वेपर भी काम करते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में। ओजोन भी मैंने बता दिया है, उसके बाद HFC भी बता दिया है, और PFC परफ्लोरोकार्बन, और SF6, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में, लेकिन ये माइनर थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा चित्र से समझ लेते हैं। लेस स्नो एंड आइस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से स्लो ये जो ग्लेशियर्स होते हैं वो रिट्रीट करने लग जाते हैं, मैं बिल्कुल टर्म बता रहा हूँ, ग्लेशियर रिट्रीट करने लग जाते हैं, रिट्रीट मतलब पीछे हटना, पहले ग्लेशियर यहाँ तक फैले हुए थे, अब ग्लेशियर यहाँ तक फैल रहे हैं, यानी कि जो बर्फ के हिमनद हैं जिनसे नदियां पूरे साल पानी देती है वो पिघल रहे हैं। इसकी वजह से कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये खत्म ही हो जाएंगे और नदियों में पानी रहेगा, और अब बाहर जा से देश में देखिए कितनी सारी नदियां हैं, उसी से पानी मिल पाता है, और ये पानी एकदम से तो ये बह के आएगा और बाढ़ पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। और देखिए मोर ड्रोट एंड वाइल्ड फायर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आप देखते हैं गर्मी में जंगलों में खेतों में बहुत जल्दी से आग लग जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, सब कुछ सूखा हुआ है, लेकिन अब टेम्परेचर अगर और भी बढ़ जाए तो और ज्यादा सूखा भी पड़ेगा और जंगलों में आग भी लगेगी। इसके अलावा ओशियंस जो है उनका पानी गर्म हो जाएगा, और ये पानी सबको ठीक नहीं होता, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ठंडे पानी में ही रह सकते हैं, तो ये पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ठंडे एरिया में भी पानी बढ़ेगा, वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, उनमें भी पानी बढ़ेगा, तो वहां पर इनका फिश का फूड नहीं बन पाएगा, ठीक है, और वो फूड नहीं बना तो ये मर जाएंगे। सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज क्योंकि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, और जो उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो हमने देखा है जो बर्फ जमी वो भी पिघल रही है, इसकी वजह से सी लेवल राइज होगा, और आसपास के जो जो खास तौर से जो द्वीपीय आइलैंड कंट्री है जैसे मालदीव है या और बाकी कंट्री है, उन कंट्रीज को ज्यादा उन संकट में है वो कंट्री। अभी कुछ साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की, मालदीव की सरकार ने पूरे वर्ल्ड का ध्यान दिलाने के लिए कि हम ये आइलैंड कंट्री है, आप CO2 ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कम इमिट कीजिए, इन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट की मीटिंग समुद्र के नीचे बैठ के की थी, मास्क वगैरह लगा के, ऑक्सीजन वगैरह लगा के, ताकि सबका ध्यान जाए, ठीक है। और ये कोरल रीफ्स हैं, कोरल ज्यादा टेम्परेचर पर जो कोरल होते हैं, आपने देखा है पोलिप नाम से एक जीव होता है जो शंख के अंदर रहता है, ये भी मर जाते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती रही तो जो रेन के पैटर्न है ना, वेदर का पैटर्न है, वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, मतलब किस मौसम में बारिश होनी है किस में नहीं, सब चीजें बिगड़ जाएंगी, जो पैटर्न अभी सेट है वो सारा ही बिगड़ जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन हो जाती है। चेंज इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के अंदर चेंज इन एनिमल माइग्रेशन, एनिमल क्या करते हैं, आप पूरे पृथ्वी पे देखें तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बहुत सारे जो जीव हैं पक्षी हैं वो उत्तरी ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आधे साल बाद इधर ठंड थी, आधे साल बाद इधर हो जाती है, तो इतना बड़ा पैटर्न वो फॉलो करते हैं, तो लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है तो इनके रहने के लिए कुछ रहेगा नहीं, ठीक है, मोर हीट वेव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से पढ़ा, थोड़ा थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं इफेक्ट क्या होंगे। देखिए अर्थ टेम्परेचर हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 3 डिकेड, पिछले 3 दशक में, यानी कि 30 साल के अंदर अर्थ का टेम्परेचर लगभग 0.6 डिग्री बढ़ गया है एवरेज टेम्परेचर से, तो दिस काज चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न, और इसकी वजह से वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, और खास तौर से इसमें द राइज इन द टेम्परेचर लीड टू हार्मफुल इफेक्ट इन द एनवायरमेंट लीडिंग टू ओल्ड क्लाइमेटिक चेंज, और यही राइज जो टेम्परेचर में हुआ है उसने हार्मफुल इफेक्ट डाला है एनवायरमेंट लीडिंग टू ओल्ड क्लाइमेटिक चेंज, बहुत ही विषम तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर प्रभाव डाला है। उसी का एक एग्जांपल है अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव क्या होता है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का
ये वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर एक देश है पेरू। नॉर्मली यहाँ पर कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, लेकिन कई बार 3-4 साल के बाद यहाँ पर, खासतौर से 25 दिसंबर के पास, 25 दिसंबर के पास यहाँ पर कई बार हॉट वाटर दिखाई देने लग जाता है, वार्म वाटर धारा दिखाई देने लग जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। और खासतौर से जिस साल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जब भी यहाँ वार्म वाटर दिखाई देता है तो कह देते हैं कि अल नीनो आ गया है, क्योंकि अल नीनो का मतलब है क्राइस्ट चाइल्ड।